हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील चौधरी दीपम जयपुर से स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको एक 100 गज में बना हुआ JDA अप्रूव्ड का सेपरेट पट्टे के साथ एक ड्यूप्लेक्स हाउस दिखाने वाला हूं। और इसकी लोकेशन अगर अपन देखें तो ये जयपुर शहर में वैशाली नगर के नियरेस्ट ये प्रॉपर्टी लोकेटेड है। अगर अपन बात करें यहाँ से कनेक्टिविटी की तो गांधी पथ से और जो दिल्ली अजमेर हाईवे है 200 फीट बाईपास है उससे इसकी कनेक्टिविटी है। और अगर अपन बात करें मेन रोड से तो मेन जो दिल्ली हाईवे है वहाँ से मात्र 700 मीटर की डिस्टेंस पे ये लोकेटेड है। अब देख लेते हैं अपन एक बार यहाँ से लोकेलिटी यहाँ की आसपास की। तो विला के सामने की जो रोड है ये आपको यहाँ पे 30 फीट की मिल जाती है। साथ ही अपन बात करें बसावट की तो आसपास आप देख सकते हो काफ़ी मकान यहाँ पर बने हुए हैं, बहुत सी फैमिलीज ऑलरेडी यहाँ पर रह रही है। और वेस्ट फेसिंग का ये विला है, एक यूनिट अपने पास यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हो ईस्ट फेसिंग की प्रॉपर्टी में तो ईस्ट फेसिंग की प्रॉपर्टी भी अपने पास अवेलेबल है। 100 यार्ड, 111 यार्ड और इससे बड़े अगर विलाज आपको चाहिए तो 185 गज, 200 गज सभी तरह की प्रॉपर्टीज़ अपने पास इस लोकेशन में अवेलेबल है। विला जो है 15x58 की डायमेंशन में बना हुआ है। फ्रंट एक इसका जो फ्रंट है एक बार देख लीजिए, काफ़ी बेहतरीन वर्क आपको यहाँ पर फ्रंट में मिल जाता है। साथ ही अपन देखते हैं यहाँ पे गेट, तो गेट जो है आपको बढ़िया सा हैवी यहाँ पे गेट मिल रहा है, बढ़िया डिको स्प्रे पेंट इस पर किया हुआ है। साथ ही अपन देखते हैं साइड में, तो साइड में आप यहाँ पे देख सकते हो टाइल वर्क जो है बहुत ही बेहतरीन, आपको यहाँ पे आई कैचिंग बढ़िया सा टाइल वर्क यहाँ पर मिल जाता है। नेम प्लेट के लिए यहाँ पर स्पेस मिल जाता है। और अब अपन मूव करते हैं यहाँ से अंदर की तरफ, तो ये पोर्शन आ जाता है अपना यहाँ पे पोर्च का। और पोर्च का जो डायमेंशन है 8x14 की डायमेंशन में आपको यहाँ पे पोर्च का स्पेस मिल रहा है। एक बड़ी कार भी इजीली यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। साथ ही एंट्रेंस के जस्ट लेफ्ट में अपन देखते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ भी एक अच्छा स्पेस आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। अब चलते हैं अपन यहाँ सामने की तरफ, तो यहाँ से एक बार हॉल का जो फ्रंट है ये स्पेस आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा ग्रिल वर्क साथ ही यहाँ पे ग्लास वर्क किया गया है। और ये है यहाँ पे हॉल की एंट्री, ये देख सकते हो आप यहाँ पे गेट, बढ़िया 7 फीट की हाइट का आपको यहाँ पे गेट मिल रहा है। माइका का जो वर्क है, वुडन जो वर्क है, बेहतरीन आपको यहाँ पे करके दिया जा रहा है। अब अपन मूव कर चुके हैं यहाँ से हॉल के स्पेस में। हॉल की डायमेंशन आपको यहाँ पे 14x21 की मिलने वाली है। साथ ही हॉल के स्पेस में अपन देखते हैं सामने की तरफ, यहाँ आ जाता है LED के लिए स्पेस। LED का जो पैनल है आप देख सकते हो, एक बड़ी LED भी आप इजीली यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। साथ ही साइड में डेकोरेशन के लिए आप देख सकते हो काफ़ी प्यारा स्पेस यहाँ पे तैयार किया हुआ है। नीचे का पोर्शन देखते हैं, नीचे आपको स्टोरेज के लिए बढ़िया यहाँ पे ड्रॉवर तैयार करके दिए जा रहे हैं। साथ ही स्टेयर्स का जो प्रोविज़न है विला में अंदर से है, और स्टेयर्स के नीचे का जो पोर्शन है ये यहाँ पे ओपन छोड़ा हुआ है। साथ ही कॉर्नर में मिल जाता है यहाँ पे बेसिन, वॉश बेसिन का स्पेस। फिटिंग्स आपको यहाँ पे बढ़िया ब्रांडेड मिलने वाली है, जगवार की यहाँ पर आपको सैनिटरी फिटिंग मिल जाती है। हॉल में ही अपन देखते हैं साइड की वॉल पर, तो साइड वॉल आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे वॉलपेपर का वर्क है। साथ ही लाइटिंग आप यहाँ पे देखिए, लाइटिंग के साथ ही ऊपर का स्पेस देखते हैं अपन, तो ऊपर सीलिंग डिज़ाइन देख सकते हो, रोब लाइट्स वगैरह जो भी है यहाँ पे बढ़िया आपको पूरा ही काम यहाँ पे करके दिया जा रहा है। फैन यहाँ पे और पेट का आपको लगा के दिया जा रहा है। किचन जो है आपको यहाँ पे मिल जाती है साइड में। ग्राउंड फ्लोर पे आपको हॉल, किचन, पार्किंग का स्पेस, साथ ही एक बेडरूम और एक बाथरूम मिलता है। एंट्री आप देख सकते हो यहाँ पे किचन की, कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे एंट्री है। और यहाँ पे जो वर्क है आप देखिए, ग्लास का वर्क यहाँ पे है। और किचन जो है पूरी आपको मॉड्यूलर यहाँ पे तैयार करके दी जा रही है। 6x11 की डायमेंशन में आपको किचन का ये स्पेस मिल जाता है। और किचन में आप काउंटर टॉप देख सकते हो, बढ़िया ग्रेनाइट का आपको यहाँ पे काउंटर टॉप मिल जाता है। साथ ही टाइल वर्क यहाँ पे देखिए, 2 से 2.5 फीट की हाइट तक आपको यहाँ पे टाइल वर्क मिल रहा है। चिमनी जो है किचन में आपको ओपेक की लगा के दी जा रही है। विंडो आप सामने की तरफ देख सकते हो, काफ़ी बड़ी विंडो आपको मिल जाती है ताकि वेंटिलेशन घर में यहाँ पे किचन में प्रॉपर रहे। साथ ही ड्रॉवर कैबिनेट वगैरह भी आप यहाँ पे देखिए, प्रॉपर यहाँ पे लगा के दिए जा रहे हैं। ऊपर की तरफ देखिए किचन में, यहाँ भी आपको सीलिंग डिज़ाइन मिल जाती है। तो ये देखा अपन ने यहाँ पे किचन। और अब ले चलता हूँ मैं आपको यहाँ से जो बेडरूम है, यहाँ मिल जाता है ग्राउंड फ्लोर पर एक कॉमन बाथरूम। बाथरूम का स्पेस आप देखिए, बाथरूम जो है आपको बढ़िया सा तैयार करके दिया जा रहा है। सीट इसमें आपको वेस्टर्न दी जा रही है। और अब
अब चलते हैं अपन यहाँ से बेडरूम में। तो जो यहाँ पे तीन बेडरूम है, तीनों ही बेडरूम आपको 11x14 की डायमेंशन में यहाँ पे मिल रहे हैं। साथ ही सभी बेडरूम्स में आपको एक वॉलपेपर सीलिंग डिजाइन मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ आप देखिए सीलिंग डिजाइन यहाँ की, कॉर्नर में यहाँ पे मिल जाता है आपको वार्डरोब का स्पेस। वार्डरोब आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर अपन विड्थ की बात करें तो यहाँ पे 6 फीट की चौड़ाई की आपको यहाँ पे बढ़िया वुडन की वार्डरोब यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही है। हाइट आप देख सकते हो, सीलिंग की जो डिज़ाइन है वहाँ तक की हाइट में आपको यहाँ पे वार्डरोब का स्पेस मिल जाता है। पीछे की तरफ आ जाता है इसमें बैकयार्ड का स्पेस, और बैकयार्ड का स्पेस यहाँ पे देखिए आप, लगभग 4x12 की डायमेंशन में आपको यहाँ पे बैकयार्ड का स्पेस मिल रहा है। ऊपर की तरफ जो पोर्शन है यहाँ पे आयरन से कवर करके यहाँ पे ग्रिल से दिया जा रहा है। ये देखा अपन ने यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर, और अब ले चलता हूँ मैं आपको यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे। और फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए जो स्टेयर्स का प्रोविजन है वो आपको ड्यूप्लेक्स के इनसाइड ही मिल रहा है। वर्क की बात करें अपन तो ग्रेनाइट का बढ़िया यहाँ पे वर्क मिल जाता है। रेलिंग जो है आपको यहाँ पे जिंदल की एसएस की मिल रही है। और अब आ चुके हैं अपन यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे, और फर्स्ट फ्लोर पे जो हॉल का स्पेस है, लॉबी एरिया है, ये आपको 8x14 की डायमेंशन में यहाँ पे मिल जाता है। वर्क आप देख सकते हो वॉल्स पे, सीलिंग डिजाइन का, लाइटिंग का काफ़ी बेहद ही खूबसूरत आपको यहाँ पे वर्क मिल जाता है। आगे की तरफ एक बेडरूम है, एक बाथरूम है, पीछे की तरफ एक बेडरूम और एक बाथरूम है। ऊपर के दोनों ही बेडरूम में आपको अटैच के बाथरूम यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हो जो बाथरूम है अटैच का है, और सीट जो है आपको यहाँ पे वेस्टर्न लगा के दी जा रही है। वेंटिलेशन के लिए आप साइड में स्पेस देख सकते हो ऊपर की तरफ, और ये आ जाता है इसमें सेकंड बेडरूम। डायमेंशन इसकी देखते हैं तो वही 11x14 की डायमेंशन में आपको ये बेडरूम मिल रहा है। टाइल्स आपको यहाँ पे 2x4 की मिल जाती है। साथ ही वॉल्स पे आप देख सकते हो वर्क यहाँ पे देख सकते हो। वार्डरोब आपको सभी रूम्स में मिल रही है, साथ ही एसी फिटिंग्स के पॉइंट आपको तीनों बेडरूम में और हॉल के स्पेस में मिल जाते हैं। अब चलते हैं अपन यहाँ से विला के लास्ट बेडरूम में, जो कि फ्रंट में है, और उसमें मिल जाती है आपको एक बालकोनी। एंटर करते ही साइड में देख सकते हो यहाँ पे है बाथरूम का स्पेस। टाइल वर्क काफ़ी प्यारा है, कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो। और ये है इसमें यहाँ लास्ट बेडरूम, ये भी आपको 11x14 की डायमेंशन में मिल रहा है। इसमें भी आप वर्क देखिए एक बार, काफ़ी प्यारा वर्क आपको मिल जाता है। साथ ही अगर आप लगाना चाहो कूलर या विंडो एसी तो उसका प्रोविज़न भी आपको मिल जाता है। विंडो आप सामने की देख सकते हो, काफ़ी बड़ी विंडो है, सभी तरह की सुविधाएँ आपको यहाँ पर मिल जाती है। साथ ही यहाँ साइड में आ जाता है वार्डरोब का स्पेस। और बेडरूम में देखते हैं अपन यहाँ पे सामने की साइड, तो यहाँ मिल जाता है एक एलईडी के लिए बढ़िया सा पैनल, और सामने की तरफ आ जाता है इसमें बालकनी का स्पेस। बालकनी स्पेस आप देख सकते हो 5x10 की डायमेंशन में आपको यहाँ पे बालकनी का स्पेस मिल रहा है। ऊपर की तरफ देखते हैं तो बढ़िया सा वुडन कलर में यहाँ पे पेंट है, और आगे का जो वर्क है यहाँ पे ग्लास और एसएस का आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? अगर पसंद आया वीडियो तो यार वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ऐसे ही चैनल पे आपको बढ़िया बढ़िया प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती रहेगी। अभी जो आपने घर देखा ये 100 यार्ड में बना हुआ है, जो कि JDA अप्रूव्ड है, पट्टा इसका सेपरेट है, और आस्किंग प्राइस इसकी 58 लाख रुपये है। अगर आप करना चाहते हो विजिट तो डिस्क्रिप्शन में नंबर, वहाँ कॉल करके आप विजिट कर सकते हो।